चलिए आज स्टार्ट करते हैं टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज। लिखेगा बीएससी मैथ पार्ट टू, बीएससी मैथ पार्ट टू पेपर थ्री ग्रुप ए। रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस लिखेगा स्टेट एंड चैप्टर सेकंड चल रहा है टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज। लिखिएगा थियोरम, कै तक हो गया था? चार तक ना, तीन तक हो गया है कंप्लीट ना, तो लिखिएगा थियोरम चार। लिखिएगा स्टेट एंड प्रूव टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज। लिखेगा आंसर में लिखेगा स्टेटमेंट। लिखेगा टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज स्टेट दैट एक फंक्शन लेंगे। क्या लेंगे? हम लोग फंक्शन लेंगे और वह फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा और कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स सीरीज ऑफ पॉजिटिव असेंडिंग पावर ऑफ एच। समझे कि नहीं? मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक फंक्शन लेंगे और असेंडिंग पावर होगा एच में जो कन्वर्जेंट सीरीज होगा। क्या होगा? सीरीज बनाना है तो लिखेगा लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इन ए कन्वर्जिंग सीरीज ऑफ पॉजिटिव सीरीज इन ए एसेंडिंग
एसेंडिंग पावर ऑफ एच, एसेंडिंग पावर ऑफ एच, एसेंडिंग पावर ऑफ एच, देन दैट एक्सपेंशन ऑफ, देन दैट एक्सपेंशन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एच क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म तक, समझे कि नहीं। फिर प्लस डैश डैश एच के पावर एन बट्टा फैक्टोरियल एन एफ एन ऑफ एक्स प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। ये एफ के पावर एन है, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स को कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, एन बार डिफरेंशिएट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। लिखिएगा प्रूफ, तब प्रूफ करने के लिए एक फंक्शन कंसीडर करना होगा, समझे कि नहीं। लिखिएगा सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एक्सपेंडेड इन ए कन्वर्जेंट सीरीज, सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए इज एक्सपेंडेड इन ए कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच, देयरफॉर लेट एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज, देयरफॉर लेट एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज मानना पड़ेगा, समझे कि नहीं। क्या मानना होगा, तो लिखिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ए नॉट के बाद लिखिएगा ए वन इंटू एच, ऐसे ए वन इंटू एच, ए टू इंटू एच स्क्वायर, ए थ्री इंटू एच क्यू प्लस डैश डैश ए एन इंटू एच के पावर एन प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डैड एस एन जो है, यह फंक्शन है एक्स का, किसका, एक्स का फंक्शन रहेगा, ठीक ना। लिखिएगा वेयर, इसको कुछ मान लीजिएगा, इसको वन ए मान लीजिए, इसको जो है आप वन मान लीजिए,
लिखिएगा वेयर 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 ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डैश डैश ए एन आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ये क्या है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डैश डैश एन जो है आर फंक्शन है किसका एक्स का ओनली, समझे कि नहीं। तब लिखिएगा और इसका हमें वैल्यू भी निकालना है, समझे कि नहीं। और लिखेंगे एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एच, लेकिन एक्स का फंक्शन है लेकिन एच से इंडिपेंडेंट है, एंड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एच, एच से क्या है इंडिपेंडेंट है, बात समझ गए ना। हुज वैल्यूज इज टू बी फाउंड, इसका वैल्यू तब निकालना है हमें। हुज हुज वैल्यूज इज टू बी फाउंड, इसका वैल्यू हमें निकालना है, किसका मान ए नॉट का मान ए वन का मान ए टू का मान ए थ्री का मान डेड एस एन का मान डेड एस, ठीक है। अब ए वन ए नॉट का मान निकालने के लिए इसके लिए फोर दिस बी पुट, पहले एच के जगह पर जीरो पुट कीजिए, लिखिएगा फोर दिस बी पुट फोर दिस बी पुट एच बराबर जीरो इन फर्स्ट बिगेट। तो फर्स्ट में अगर एच का मान जीरो पुट कीजिएगा तो ए नॉट का मान निकल जाएगा, देखिए यहाँ एफ ऑफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो बराबर ए नॉट प्लस ए वन जीरो प्लस ए टू जीरो ए थ्री जीरो प्लस डैड डैश ए एन इन टू जीरो प्लस डैड डैश टू इन्फिनिटी। तो क्या हो गया देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका क्या आ गया एफ ऑफ एक्स बराबर ए नॉट आ गया, ए नॉट बराबर क्या हो गया एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो ए नॉट का मान आपको निकल गया, अब ए नॉट का मान जो है कहाँ पुट करेंगे, इसमें रखेंगे पहला में, ठीक है। अब देखिए अब आपको ए वन का मान निकालना है, तो ए वन का मान निकालने के लिए सबसे पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा, क्या करना होगा, हाँ तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट, लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स वी गेट, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, सॉरी एच के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट मानकर, लिखेंगे टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, बात समझ गया ना। तो कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा आपका क्या एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच गुने एक्स, तो कांस्टेंट माने है जीरो प्लस वन, उसके बाद क्या होगा ए नॉट कांस्टेंट है ना, एक्स के एक्स का फंक्शन ए नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकला ए वन इंटू वन होगा बताइए, एच को एच के रिस्पेक्ट में करेंगे वन ना होगा, उसके बाद ए टू बाहर निकला एच स्क्वायर का टू एच होगा, ए थ्री बाहर निकलेगा एच स्क्वायर एच क्यू का थ्री एच स्क्वायर होगा, बोल नहीं रहा है रे, प्लस डैड डैश ए एन एन माइनस वन इंटू क्या, हाँ हाँ ए नॉट जीरो होगा, ठीक सही बोले ए जीरो हो जाएगा कांस्टेंट माने है ना, तो एन माइनस वन एच के पावर एन माइनस वन प्लस डैड डैश टू इन्फिनिटी। एक बार इसको बढ़िया से लिख लीजिए, लिखिएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या लिखेंगे ए वन प्लस क्या लिखेंगे ए टू इंटू टू एच, उसके बाद ए थ्री इंटू थ्री एच स्क्वायर प्लस डैड डैश ए एन एन माइनस वन इंटू एच के पावर एन माइनस वन प्लस डैड डैश टू इन्फिनिटी, उतार लीजिए इसको।
हाँ उमा बोलिए। हाँ हाँ उमा, नहीं चलता है। अच्छा हम देख लेते हैं, लाइने पे रहिए। हाँ ऑफलाइन हो गया। अच्छा ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम डाल देते हैं। ठीक है, ठीक ठीक सही बोल दिया आप। ठीक ठीक है उमा, चलिए आगे बढ़े। क्या ये एन ई एच के पावर एन था ना लास्ट में, तब एन, हाँ एन होगा। यहाँ एन होगा, एन होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें एच का मान फिर जीरो पुट कीजिए, समझे कि नहीं। अगेन भी इसको लेकिन मानना होगा, कितना, इसको दो मान लीजिए। क्या तक माने थे, एक माने थे, इसको दो मान लीजिए। तो लिखेंगे अगेन बी पुट एच का मान जीरो पुट कीजिए इन सेकेंड बी गेट। तो जीरो पुट कीजिएगा सेकेंड में तो क्या होगा बताइए। एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जीरो बराबर ए वन प्लस जीरो, जीरो प्लस डैड डैश जीरो प्लस डैड डैश, तो आपका ये क्या बनेगा बताइए। ए वन का मान जो होगा वह एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा। इसको आप बॉक्स बना के घेर लीजिए। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स बी गेट। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए वन का जीरो हो जाएगा, उसके बाद ए टू इंटू टू बचेगा, है कि नहीं, उसके बाद ए थ्री इंटू सिक्स एच बचेगा, आप प्लस डैड डैश ए एन एन इंटू प्लस एन इंटू एन होगा पहले, है ना, एन होगा आ एन इन पहले से था एन माइनस वन आ एक्स के पावर एन माइनस टू आ प्लस डैड डैश टू इन्फिनिटी, है ना। अब एक बार इसको बढ़िया से लिख लीजिए, बढ़िया से लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए। यहाँ होगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए टू इंटू टू प्लस ए थ्री इंटू सिक्स प्लस डैड डैश ए एन एन इंटू एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस टू आप प्लस डैड डैश टू इन्फिनिटी, है ना। इसको कितना मानेंगे बताइए, क्या सिक्स एच, हाँ अच्छा ये ठीक है ना, सिक्स एच, सिक्स एच था ना ये, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स एच के रिस्पेक्ट में होगा, है ना, एच के रिस्पेक्ट में। इसको आप मान लीजिए कितना, क्या तक माने थे, दो तक, आ इसको तीन मान लीजिए। अब एफ डबल प्राइम ऑफ ए टू का मान निकालने के लिए, ए टू का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, एच के जगह पर हमें जीरो पुट करना होगा, क्या करना होगा जीरो। तो लिखेंगे बी पुट एच बराबर जीरो इन इट वी गेट। फिर से h का मान जीरो पुट कीजिएगा तो आपका f डबल प्राइम ऑफ x प्लस जीरो बराबर टू इंटू ए टू प्लस क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा
इसके बाद सब टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बात समझ गए ना। तो ये आपका जो है एफ डबल, ध्यान से सुनिएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स बराबर टू इंटू ए टू हो जाएगा चला, और ए टू का मान यहाँ से निकल गया वन बाई टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, और ए टू को, टू को हम लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल टू, तो ए टू का मान वन बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, चूँकि यहाँ जानते हैं हम लोग फैक्टोरियल टू का मान टू इंटू वन बराबर टू होता है ना, तो टू के अपर फैक्टोरियल टू लिख सकते हैं, बात समझ गए ना। तो इसको याद रखिएगा, इसका यूज करेंगे, ठीक है, ये सब का मान निकाल रहे हैं। उसी प्रकार सिमिलरली वी कैन शो दैट, हम लोग दिखाएंगे ए थ्री का मान, ए फोर का मान, एन का मान, समझे कि नहीं। पहले इतना उतार लीजिए आप लोग सभी जल्दी। देखिएगा प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट, प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट, प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट ए थ्री का मान क्या होगा, वन बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, है ना, बताइए। उसी प्रकार डैड डैश डैड डैश डैड डैश फैक्टोरियल एन का मान क्या होगा, बताइए, एन का मान होगा वन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन ऑफ एक्स होगा, बताइए। अब इस सभी का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, है ना। तो लिखिएगा वी पुट दीज वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डैश डैश ए एन, किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या आ जाएगा, बताइएगा, आएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए नॉट का मान एफ एक्स निकाले हैं, बताइए, ए वन का मान क्या निकाले हैं, बताओ, एफ प्राइम एच इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, उसके बाद ए टू का मान क्या, एच स्क्वायर पहले से था वन बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एच क्यू इंटू वन बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस डैड डैश एच के पावर एन एफ एन का मान वन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन ऑफ एक्स प्लस डैड डैश टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आया एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एच क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस डैड डैश टू इन्फिनिटी, यही ना प्रूव करना था, बताइए, हैंस प्रूव्ड, अरे बोलो, चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़े,
चलिए आगे बढ़े, चलिए लिखिएगा अब इस पर क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज लिखिएगा। मतलब इस तरह से हमको एक्सपेंड करना है, इस प्रकार एक्सपेंड करना है कि यह जो सीरीज आया ये कन्वर्जेंट सीरीज है, समझे। जब इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे ना तो इनफाइनाइट सीरीज में सीरीज को कब कन्वर्जेंट और कब डाइवर्जेंट कहते हैं, तो एक से लेकर एन टर्म तक के सम पहले निकालते हैं, समझे। एक से लेकर एन टर्म तक का सम क्या करते हैं, निकालते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं, उसका वैल्यू अगर कोई यूनिक और फाइनाइट क्वांटिटी आता है तो उस सीरीज को हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं, समझे। तो इसी तरह का ये सीरीज बना जो कि क्या है, यह टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज है, जब इसका कन्वर्जेंस चेक करेंगे तो ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, समझ गए ना। चेक नहीं करना है कन्वर्जेंट है, लेकिन होगा ऐसा थ्योरम, हाँ इनफाइनाइट सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस पर प्रॉब्लम लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा प्रॉब्लम ऑन इनफाइनाइट सीरीज, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, प्रॉब्लम ऑन टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज।
चलिए लिखिएगा प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम वन टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, प्रॉब्लम वन टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज का अगर प्रॉब्लम जिस किसी फंक्शन का निकालना रहेगा उस फंक्शन को पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद एच के ऊपर जीरो रख के एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, उसके बाद उसको एक बार डिफरेंशिएट करके एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, जहाँ तक कहेगा वहाँ तक डिफरेंशिएट करके सारा का वैल्यू टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज में पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखिएगा टेलर्स, पहला लिखिएगा डिफिनीशन और उसके बाद वर्किंग रूल लिखाएंगे। लिखिएगा टेलर्स, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज में लिखिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एच क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस डैश डैश एच के पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन ऑफ एक्स प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। उसके बाद लिखेगा दूसरा वर्किंग रूल, दूसरा वर्किंग रूल, वर्किंग रूल, दूसरा लिखेगा वर्किंग रूल, लिखेगा दूसरा वर्किंग रूल। लिखेंगे टू एक्सप्रेस गिवन फंक्शन, टू एक्सप्रेस गिवन फंक्शन, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस गिवन फंक्शन, टू एक्सप्रेस गिवन, टू एक्सप्रेस गिवन फंक्शन बाय टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, बाय टेलर्स, टेलर्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा बी टेक गिवन फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, टेक द गिवन फंक्शन, फंक्शन इक्वल टू, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या मानेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसी में एफ ऑफ एक्स प्लस एच में ही विपुट एच बराबर जीरो इन एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी गेट, तो क्या प्राप्त होगा एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम्स ये सब डिफरेंशिएट करेंगे, समझे कि नहीं, और सभी का मान टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज में क्या करेंगे पुट करेंगे। तीसरा काम लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ एफ ऑफ एक्स वन टाइम, वन टाइम टू टाइम्स, टू टाइम्स थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स डैड डैश, डैड डैश, है ना। बिगेट, बिगेट क्या निकल के आएगा बताइए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, डैड डैश, सब का मान जो है किसमें पुट करेंगे। चौथा काम करेंगे वी पुट दिस वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जिसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी तो मानना है, तो लिखेंगे वी पुट, वी पुट दिस वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स डैश डैश इन इट,
इन इट टेलर्स टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज। हाँ अमित, एनिमेशन तुम्हारे थ्रू हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा यार। एक बार तू बात कर लेगा ना, जैसे एनएमएससीएच में हमको आसान पड़ेगा, नहीं समझा? हाँ हाँ अच्छा। अच्छा। अच्छा, चलो ठीक। ना 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 ना, अच्छा। चलो ठीक है। चलो हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक, चलिए हो गया। तो ये हो गया इसका वर्किंग रूल। एक क्वेश्चन करवा देते हैं तो एक क्लास का फुलफिल हो जाएगा, नहीं समझे? थ्योरम करवा दिए, वर्किंग रूल करवा दिए, अब इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं, नहीं समझे? और इसी के आधार पर दो तीन क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा। जो नहीं बनेगा अगले क्लास में बना कर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलिए चलिए, लिखेगा क्वेश्चन, लिखेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखेगा एक्सपेंड लॉग साइन एक्स प्लस एच। एक्सपेंड एक्सपेंड लॉग साइन एक्स प्लस एच। एक्सपेंड लॉग साइन एक्स प्लस एच इन पावर ऑफ एच। इन पावर ऑफ, इन पावर ऑफ एच, इन पावर ऑफ एच, इन पावर ऑफ एच एज फोर, एज फोर, एज फोर, एज फोर एच क्यू। कहाँ तक लिखना है एक्सपेंशन? एच क्यू तक, समझे कि नहीं? By using Taylor's infinite series, किसका यूज करके? By using Taylor's infinite series, Taylor's infinite series का यूज करके, ठीक है? समझ गया ना? चलिए उतार लीजिए इसको। तो सबसे पहले वर्किंग रूल में क्या बताए हैं कि जिस फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन निकालना है उसको f of x plus h मानेंगे। तो लिखेगा आंसर सॉल्यूशन, लिखेगा लेट। अब देखो इतना जो है, अब कोई आते जाते रहता है, अब आए आए, अब डायरेक्ट हम चालू कर दिए कंप्यूटर, अब उसमें लिंक मेरा नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं अब व्हाट्सएप पे नहीं खुल रहा है, नहीं समझे? तो लिंक वहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट लाइव हो जा रहा है। पहले क्या था कि लिंकवा कॉपी करके मोबाइल पर ले लेते थे, अभी नहीं हो पा रहा है। तो लिखिएगा लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर, इसीलिए नहीं भेज पा रहे थे, ठीक ना, लॉग साइन एक्स प्लस एच, ठीक है? इसको आप मान लीजिए क्या फर्स्ट, ठीक ना? सबसे पहले आपको इसको एच एफ एक्स का मान निकालने के लिए पहले एक्स का मान जीरो पुट, एच का मान जीरो पुट करेंगे। तो लिखेंगे बी पुट एच का मान जीरो इन फर्स्ट बिगे। तब पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स बचेगा, बताइए। अब पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट
with respect to x in both sides we get. मतलब दोनों तरफ पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, f प्राइम ऑफ x प्लस h बराबर 1 बाई log का 1 बाई log 1 बाई साइन x प्लस h इन टू साइन का cos x प्लस h होता है ना, बताइए. तो इसका हो जाएगा क्या, cot cot x प्लस h हो जाएगा, है कि नहीं, बताइए. तो यहाँ क्या लिखेंगे, cot f प्राइम ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू cot x प्लस h. अब इसमें क्या पुट करना है, अब फिर से अगेन वी पुट h का मान क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, नहीं तो सॉरी अब तो उसको नहीं ना करना है, अब इसको करना है, सॉरी गलती हो गया, इसको करना है ना, जीरो पुट करने के बाद डिफरेंशिएट, जीरो पुट करने के बाद जो बचता था उसको डिफरेंशिएट करते थे ना, तो गलती हो गया समझे, नहीं तो इसी में पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ कोई दिक्कत नहीं है. वी पुट अगेन, वी पुट एक्स बराबर जीरो इन इट वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा जरा, एफ डबल प्राइम सॉरी एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर कॉट एक्स हो जाएगा. हाँ एच बराबर जीरो कॉट एक्स हो जाएगा ना. अब इसको डिफरेंशिएट बार बार करते रहिए, इसको मान लीजिए क्या दो, ठीक है. अब इसको डिफरेंस, अब एच का मान जीरो पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड. तो एच क्यू करना है तो तीन बार डिफरेंशिएट करना होगा. तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, समझे. उसके बाद फिर एक बार और डिफरेंस, इसको मान लीजिए तीन, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट. तो एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स बराबर माइनस, पहले पावर का होगा कॉसेक एक्स होगा ना, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, याद है कि नहीं हो, तो माइनस माइनस प्लस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया, ठीक है. चलिए उतार लीजिए. इसी प्रकार डैडस बहुत सारा निकलते चला जाएगा, है कि नहीं. अरे बोलो, आई सब का मान कहाँ पुट कर देंगे, सब का मान जो है हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे, टेलर्स इनफाइनाइट से. वी पुट दिस वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स, ई क्लास आना चाहिए ना आपको नीरज, बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, उसके बाद एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स डैडस इन टेलर्स, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एफ ऑफ एक्स, एच इन टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एच क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस डैडस टू टू इन्फिनिटी, है ना. बी गेट, बी गेट क्या हो जाएगा बताइए, अब बताइए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह पर क्या लिखेंगे, लॉग साइन एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, लॉग साइन एक्स है, एच इन टू एफ प्राइम ऑफ एक्स का मान क्या है, कॉट एक्स है, उसके बाद एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का मान क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद एच क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री टू क्या है, टू इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स है कि नहीं.
यही ना है, बस इतना ही तक रहने दीजिए, कह रहा है कि तीन पावर एच के तीन पावर तक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लॉग साइन एक्स प्लस एच बराबर लॉग साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉट एक्स आप फैक्टोरियल टू, तो माइनस एच स्क्वायर बाई टू लिख दो फैक्टोरियल टू को, कॉसेक स्क्वायर एक्स आई फैक्टोरियल तीन का मान छः, तो दो तिहाई छ है ना, तो प्लस एच क्यू बाई थ्री आ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स आ प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज रहने दीजिए, अगले क्लास में फिर आगे। हाँ भाई, नहीं ये x प्लस एच का फंक्शन हो, नहीं 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 ठीक ना।